डेथ ऑफ पार्टनर में गुडविल का देखो सेम एंट्री हो रहा है ना, जैसे रिटायरमेंट, उसमें रिटायरमेंट में क्या होता था, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, इसमें क्या हुआ, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो ए और बी है, सी सी मान लो डेथ हो गया, तो एंट्री हो गया ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, ठीक है। और इसको हमेशा गेनिंग रेशियो में बांटना है, जो नया जो यहाँ पर गुडविल एडजस्ट होगा ना, वो हमेशा किस रेशियो में बांटना है, गेनिंग रेशियो में। अगर टोटल गुडविल दिया है तो जिस तरह रिटायरमेंट में हम लोग जो रिटायर होता था उसका निकाल लेते थे ना, इसमें भी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो हम लोग का तीनों चैप्टर में आ रहा है, एडमिशन में आया, रिटायरमेंट में आया और डेथ में भी आ रहा है, कि अगर पहले से गुडविल दिया रहे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑल इसलिए लिखा गया, ओल्ड होना चाहिए, लेकिन देखो इसमें तो तीनों ओल्ड रहेगा, ए बी सी। जब एडमिशन में यही एंट्री था तो यहाँ था हम लोग का ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि एडमिशन में सी नया आ रहा था ना, और इसमें तो रिटायरमेंट और डेथ में सब पुराना है, इसमें तो जा रहा है, इसलिए यहाँ लिखें ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन ये हमेशा किस रेशियो में बांटना, समझ गया, तो ओल्ड गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो में, और बाकी जितना भी गुडविल इधर रहेगा सब किस रेशियो में, गेनिंग। दिया रहेगा न्यू रेशियो तो गेनिंग रेशियो निकाल लेना, नहीं दिया रहेगा तो जो जाएगा उसको हटा देना, बाकी जो बचेगा वही न्यू रेशियो रहेगा और वही क्या रहेगा, गेनिंग रेशियो। लिख लो इसके आगे इसका क्वेश्चन देखो।